हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में आप अपनी ब्रेस्ट को देखकर कैसे पता लगा सकते हो कि आपने बॉय कंसीव किया है या गर्ल। ब्रेस्ट में चेंजेस होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आम बात होती है। ये बात आप सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आपकी जो ब्रेस्ट है डेफिनेटली वैसी नहीं रहेगी जैसी आपकी बिफोर प्रेगनेंसी थी। कुछ की ब्रेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है, कुछ की ब्रेस्ट में से लीकिंग होने लग जाती है, कुछ की ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है, कुछ के निप्पल जो होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे आपको हेयर्स ग्रोथ बढ़ जाती है, कुछ के निप्पल जो है टाइट और डार्कर शेड के हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो आपके ब्रेस्ट में होते हैं और आप प्रेगनेंसी में मे बी आप गौर करती हूँ या नहीं करती हूँ, एज सच मैं कुछ कह नहीं सकती, बट बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी में होने वाली हर एक ग्रोथ को, हर एक सिम्टम को बहुत ध्यान से देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और डेफिनेटली उसको नेट पर सर्च भी करती होंगी। तो वही आज मैं आपकी क्वारी सॉर्ट आउट करने आई हूँ कि आप ब्रेस्ट को देख कर कैसे पता लगा सकती हैं। ब्रेस्ट में चेंजेस होना प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका ओवुलेशन खत्म होता है आपकी ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई भर जाती है, आपके जो ब्रेस्ट है वो तैयार हो जाती है मिल्क आपके बच्चे को तैयार करवाने के लिए, फीडिंग आप बच्चे को करवा पाए उस लिए, तो आपकी ब्रेस्ट जो है मिल्क बनाने में लग जाती है। अब मिल्क बनाने के प्रोसेस में आपके जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है इम्बैलेंस भी होते हैं और कई हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ता है उस चक्कर में आपकी ब्रेस्ट जो है वो थोड़ी हैवियर लगती है, बट जो मेन सिम्टम है जिसको देख कर आप इजिली पता लगा सकते हो कि दैट इज अ बॉय और इट्स अ गर्ल, तो वो है आपकी निप्पल्स। निप्पल और साइड का जो एरिया होता है आपने देखा होगा, आप चाहे कितनी भी फेयर स्किन की क्यों ना हो, डेफिनेटली निप्पल्स जो है उस कलर के नहीं होते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी जो है जहाँ से श्रिंक होगी वहाँ पे उसका कलर हल्का सा डार्कर होगा, बट प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ से आपकी बॉडी में जो है जैसे आपका थर्ड मंथ स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकेंड खत्म होने के बाद, उसी समय आपके निप्पल्स का शेड जो है बदल जाता है। कईयों का शेड जो है वो डार्कर हो जाता है, वहीं कईयों का शेड जो होता है वो जैसा होता है वैसा ही रहता है, उस पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ब्रेस्ट के जो ब्रेस्ट निप्पल होता है, निप्पल के जो साइड में ब्लैक कलर का एरिया होता है, कईयों के वहाँ पे हल्के हल्के उठे हुए दाने भी नज़र आते हैं। तो देखो अगर आपकी ब्रेस्ट और निप्पल का चेंजेस आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, डार्क नज़र आ रहा है, तो आपके लड़का होगा, वहीं अगर ये बहुत ज़्यादा लाइट है तो लड़की होगी। लॉजिक मैं आपको इसके पीछे बता देती हूँ। जब आपकी बॉडी में मेन हॉर्मोन्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में होने लग जाते हैं ब्लैक पैचेस, और ज़्यादातर ये जो है वो मेल्स में पाए जाते हैं। मेल्स का जो निप्पल्स का शेड है वो थोड़ा डार्कर होता है, तो जब आपकी बॉडी में आपने मेल कंसीव किया होता है, बेबी बॉय कंसीव किया होता है, उस टाइम पे आपका जो निप्पल है वो थोड़ा डार्कर हो जाता है। डार्कर इट मीन्स आपको ब्लैकिश नज़र आएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही आपका बेबी कंसीव होगा तो वो नॉर्मल अपने शेड में थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जैसे आप ब्रेस्टफीड करवाएंगी वो वैसे आ जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में वो डार्कर होगा। उसके साथ मैं आपको एक और सिम्टम बता दूं। देखो मैं हमेशा आपको दो सिम्टम बता के जाती हूँ एक साथ जो कि इंटररिलेटेड होते हैं। तो पहला तो आपका यही है कि निप्पल शेड का डार्कर होना, सेकंड है आपका आपको जो है आपकी राइट वाली ब्रेस्ट अगर हैवी लगे तो आपकी गर्ल होती है, लेफ्ट वाली ब्रेस्ट हैवी लगे तो आपके बॉय होता है। देखो नेट पे अगर आप पढ़ोगे तो देखो ऐसा है, बट मेरे केस में बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरे केस में मेरी जो राइट साइड वाली ब्रेस्ट थी वो लाइटर थी रेदर देन लेफ्ट साइड वाली ब्रेस्ट, और ऐसा होता है आपको, मैंने जितनी भी लोगों से पूछा है सबने यही कहा है कि उनके साथ भी सेम सिम्टम था। तो आप ये भी चेक कर सकते हो, आप अपनी राइट साइड वाली ब्रेस्ट देखो, अगर वो आपको लेफ्ट वाले से थोड़ी ज़्यादा भारी नज़र आ रही है तो आपके जो है बॉय होगा, अदरवाइज आपके गर्ल होगी। तो ये दोनों सिम्टम देख कर आप इजिली पता लगा सकते हो कि आपने बॉय कंसीव किया होगा या गर्ल कंसीव करी होगी।
तो वैसे तो इसका जेंडर प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो का, बट एज अ फन वे में आप इसको लेना, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी में हर माँ के दिल में हमेशा होता है कि उसके क्या होगा। देखो माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बात आप सबको पता ही होगी, बट ये है कि थोड़ा सा सस्पेंस वे में कि क्या होगा क्या होगा सोच के, या उसके कपड़े लेने में, या उसकी प्लानिंग करने में, या उसका रूम तैयार करने में, वो सब चीज़ों के लिए आप सोच के अपने ऊपर डिपेंड करके ले सकते हो कि आपके सिम्टम किससे मैच हो रहे हैं और आगे आपको किस चीज़ को लाइक किस बेबी को लेकर शॉपिंग करनी है या प्लानिंग करनी है। तो चलो ये वीडियो यही खत्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।